इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो सुबह से पूरा मसला चला आ रहा है, इस पर सर मेरा पहला सवाल तो ये बनेगा कि केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि भाई हमें सिंगापुर बुलाया जा रहा है मॉडल दिखाने के लिए। अभी वापस से जो हमारे उपराज्यपाल हैं उन्होंने CBI जांच का आदेश दे दिया, तो क्या मॉडल दिखाने जा रहे थे ये इस करप्शन का, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से सिंगापुर की आपने जैसे जिक्र किया आपने, देखिए सिंगापुर में जो वहाँ पर जो काम था वो काम मुख्यमंत्री का नहीं था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं था बल्कि मेयरों का काम था। और वहाँ पर पहुँचना उतना ज़रूरी नहीं था मुख्यमंत्री के लिए। अब आइए यहाँ पर जिस तरह से CBI की आपने बात करी है, हमने देखा है जो जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को 2009-10 का जिस तरह से अवहेलना किया गया, जो कंप्लाइंस थे वो कंप्लाइंस को पूरा नहीं किया गया, खास करके आप व्यापारिक लेन देन की अगर बात करें उस अधिनियम को भी इन्होंने जो है सो तार तार करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर बात है जो कि CBI का, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल जी ने इसका अनुशंसा किया है। और मुझे लगता है जो इसमें ना कोई डरने की बात है ना कुछ है, एक पारदर्शी तरीके से अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। और ये चीज़ जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर आप मान लीजिए अगर किसी तरह का कोई संदेह है अगर जनता को है और अगर स्पष्ट रूप से अगर एजेंसियां जो है उसको लाना चाहती है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए और ये अच्छा संदेश आपका जनता में जाएगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ पर सर एक और बात सामने आ रही है, आम जनता पार्टी ये कह रही है कि जो BJP है ये कभी कांग्रेस को ED में फंसाती है और इस बार हमें CBI में फंसा दिया। पहले सत्येंद्र जैन भी अभी जेल में ही है सर, उनको बेल भी नहीं मिल रही है सर। तो वो कह रही है BJP पार्टी हमसे डरने लगी है, आम जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरने लगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यहाँ पर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी एजेंसियाँ ऐसे किसी के ऊपर में हाथ नहीं डालती। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ मित्र यहाँ पर श्री प्रेम कुमार जी यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर कोई भी यहाँ से पुलिस वाला जा रहा है, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई मंत्री जा रहा है उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के ऊपर में अगर किसी तरह का इस तरह का संदेह अगर उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर इसका एजेंसियां जो है सो बिल्कुल ख्याल रखेगी। बिना तथ्य बिना विषय बिना सबूत के कोई भी एजेंसियां ऐसे आपको आकर के पूछताछ नहीं करने लगती है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो कि ये पारदर्शी तरीके से जिस तरह से अगर वहाँ पर जाँच अगर हो रही है या होगी तो उस चीज़ का वेलकम करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जी प्रेम कुमार। सर आपसे सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग हमसे डर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता, लेकिन बेफालतू का आप हम पे आरोप लगा के आप हमें फंसाना चाह रहे ताकि हम काम ना कर पाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आम आदमी पार्टी भी सरकार में है और दिल्ली भी केंद्र में भी सरकार है और ये राष्ट्रीय राजधानी है। दोनों के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय लगातार नहीं दिखा है। जो यहाँ LG हैं, LG का उपयोग नियंत्रण करने में हो रहा है मुख्यमंत्री को, ये लगातार हमने देखा है। तो आम आदमी पार्टी के साथ की ये शिकायत है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यही एटीट्यूड यही रुख क्या केंद्र सरकार दूसरे उन राज्यों में करती है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो नहीं करती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये शिकायत लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी संख्या में विधायकों को उनकी जांच हुई, वो जेल भी गए उनके, लेकिन वो बरी भी हुए। तो क्या जो लोग बरी हुए उनको ये शिकायत नहीं होगी कि हमें परेशान किया गया बेवजह? जो जेल में हैं वो अगर कल को बरी होते हैं तो उनकी भी शिकायत होगी, और जिनकी आशंका है कि हमें जेल में डाला जा सकता है तो ये सवाल उठेगा कि केवल और केवल हम पर ही क्यों? आम आदमी पार्टी वही सवाल उठा रही है। तो आप मानते हैं ना सर कि BJP में कोई वो लोग हैं जिन पर ED की जाँच होनी चाहिए सर? आप मानते हैं सर ऐसी बात कि BJP में काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं सर? देखिए, जो मेरे मानने से या किसी व्यक्ति के मानने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो बातें सामने आ जाती हैं, भ्रष्टाचार का मामला उठ जाता है। अब राफेल का इतना बड़ा मामला था, 550 करोड़ में वो सौदा था, 1550-1600 करोड़ का सौदा हुआ, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में बात गई और सील बंद लिफाफे में ये कहा गया कि प्राइसिंग को लेकर के सारी बातें CAG के को बताई जा चुकी हैं, उससे ऑडिट हो चुकी हैं और PAC के
पास में पेश की जा चुकी हैं और सदन को भी बताया जा चुका है कि, लेकिन जनता को पूरी बात नहीं बतानी है, उतना ही बताना है जितना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट के पास सीलबंद लिफाफे में इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया, तो फिर राफेल की जाँच क्यों नहीं कराई जा रही संयुक्त संसदीय समिति से? और भी दूसरे मामले हैं तो उन मामलों की जाँच होनी चाहिए। उन मामलों में खास करके जैसे कोई मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री दो दिन पहले आरोप लगा रहे हैं कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हुआ, जांच होनी चाहिए। तो आखिरी सवाल आप दोनों से, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस इस केस को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाती है सर? आप पहले दिन आओ। देखिए, कोर्ट में जाना उपचार नहीं है। मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो एक रास्ता था कि नरेंद्र मोदी जी चले जाते कोर्ट में, लड़ते रहते मुकदमा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया, मैं भी चौकीदार, और वह सक्सेसफुल जवाब था। राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट से बाहर जवाब दिया। राजनीतिक दल कोर्ट में जाके थोड़े लड़ते हैं, कोर्ट से बाहर इसका फैसला होता है, जनता की अदालत में फैसला होता है। सर, जैसे इन्होंने कहा राजनीतिक दल कोर्ट में जाके नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा, प्रशासन को हमें फॉलो करना पड़ेगा सर। तो सर, इसी प्रशासन को फॉलो करते हुए तो सर बीजेपी एक्शन लेती है। देखिए, कोई भी चीज़ संवैधानिक और कानूनी तरीके से अगर जो भी है वो चीज़ होना चाहिए, और अभी की जो केंद्र सरकार है और हमारी जो प्रदेशों में सरकार है, हम उसी के ऊपर में चल रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, हमारा एक ही कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुबह से जानते ही हैं कि सुबह में ही उपराज्यपाल ने CBI जांच का आदेश दिया है एक्साइज पॉलिसी, जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया है। इसी सिलसिले में आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार को और वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा जी को। अभी ये खबरों में इतना ही, बाकी देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़।